अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और मैंने ब्रश वगैरह भी कर लिया, उसके बाद मैंने जो नाश्ता वगैरह भी कर लिया था, काम वगैरह भी कर लिया था। और घर पर आए हुए थे मेरी फूफो और फूफा, ठीक है। और मतलब काफ़ी दिन बाद आए हैं। और फूफा जो है वो खा रहे थे फिश के बहुत सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, प्रोटीन भी होता है उसके अंदर। दांत में से थोड़ी करते हैं टॉक शॉक। दादी 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 माँ, दादी सुनो तो, दादी माँ कुछ कह रहे हैं। हम कर रहे हैं तो दादी दादी किसी कहाँ जा रही हो? मिलाद मिलाद में जा रही हो? किसकी मिलाद में? आप ही की। आप ही की मिलाद में जा रही हो? दिखाओ जरा क्या है। सही है, मुझे नहीं लेके जा रही। क्यों मम्मा? मैं तो ले जाऊं है? ले जाने जगह पे लेके जाएंगे। क्यों मिलाद जाएंगे? मिलाद नहीं लेके जाता नहीं, एट ए टाइम कहीं नहीं लेके जाया जाता। मम्मा ऐसे बोल रही थी मैं। क्या? रेडी हो जाना, रेडी हो जाना। फिर आपने ये तो नहीं बोला ना कि इतने इतने बजे चलना है। नहीं, सब कहा था मैंने। तो मैं तो हरमिन की वजह से रुक रही हूँ, हरमिन का बूट नहीं हो रहा। अब किसी की वजह से रुका। बिल्कुल सही। और हरमिन आज करी सिलाई, आज हरमिन दर्जन बनी हुई है, देख रहे हो आप। कैफर अभी यहाँ पर इंतजार कर रही है कब मम्मा बाया पहले और कब जाए। और पप्पा, ये देखो मेरा पप्पा को बुला रही हूँ मैं, पता है कहाँ से है, वॉशरूम में कपड़े चेंज करने गए। अच्छा, अगर आप लोगों मेरी बच्चों वाली आवाज़ सुनी है, तो चलो बच्चे वाली आवाज़ में थोड़ी सी बातें करते हैं। आपको पता है मेरी मम्मा है ना, ये गाड़ी में तो जानती मिलाद में, और ये मेरे बाबा लाए, मेरे बाबा ना मैं उनको पहनाने के लिए उम्रा पर चढ़ाया ना, मेरी मम्मा माँ को लेकर नहीं जा रही हाँ। खैर जस्ट फन है। और मेरी मम्मा की जाते के साथ ही ना मैं लेके बैठ गई थी अपना ट्राउज़र जो है वो मैं स्टिच कर रही थी। और हरमिन ने ना क्या करा, मैंने कटिंग करके रखी और हरमिन ने ना ये नीचे का जो पैंचा ना वो ये फॉल करने लगा थी, उससे बिल्कुल भी सही नहीं हुआ था हरमिन से। हरमिन कह रही मशीन में ख़राबी हो गई। मैंने हटो यहाँ से, मैंने हरमिन को हटाया। हटाते के साथ ही मैं खुद स्टिच करने लग गई। मैं स्टिच कर रही थी तो देखो यार टाका वगैरह सब कुछ अच्छा आ रहा है, पता नहीं क्या हरमिन को इतना नखरे हो गए, बिल्कुल भी नहीं ये हो रहा वो हो रहा फलाना पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। फिर भी देखो आप खुद देख सकते हैं, आप सब गवाह हैं कि मुझसे कितना अच्छा मतलब अच्छा जो है वो स्टिच होता आ रहा है, ऊपर से इतना अच्छा स्टिच होता आ रहा है। एक वे होता है, एक ढंग होता है सब चीज़ का यार, जो कि हरमिन को पता नहीं कहाँ से छू के गया है, उससे हो ही नहीं रहा था। हद है भाई हरमिन, हटो यहाँ से। मैं देखो फॉल्ट कर रही हूँ, तो वो वीडियो भी बनाए थे ना, वो कह रही थी हाँ यार आप ही सच कह रही हो, आप सही हो रहा है, सही आपसे सही हो रहा है। मतलब वाकई मुझसे सही हो रहा है? हाँ नहीं तो पता नहीं क्या चीज़ है अरमीन। यार मसला हो गया, अरमीन सही कह रही थी। देखो ना यहाँ पर कितने दाने दाने से उठ गए, सिलाई में मसला हो गया, अब इसको उधेड़ना पड़ेगा पूरा। ये देखो अब मैंने इसको जो है अच्छी तरीके से उधेड़ लिया है। अब उसको अस्सलाम वालेकुम अरमान, कैसे हैं आप सब? आज मैं और हरमिन जा रहे हैं सेंटर जा रहे हैं। ये हरमिन सेंटर जा रहे हैं, और कौन सा सेंटर जा रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, सिर्फ इतना जस्ट बता रही हूँ कि हम सेंटर जा रहे हैं। अभी हम गली में हमारी कितने दूर से सफ़र करके आ रही है, सांस ऊपर नीचे आ रहा है, सांस वहाँ ऊपर नीचे हो गया। अभी गली में ये घर बन रहा है यहाँ पर। खैर हम चलते हैं, यहाँ पर कलर हो रहा है, कलर की खुशबू नहीं आ रही यार, इतनी अच्छी लगती है कलर की खुशबू, इसको भी बहुत पसंद है, रोज सुन के ये तो हम आ गए हैं सेंटर, अब जा रहे हैं अपने घर में। अच्छा जी, हम मैं सेंटर से आ चुकी थी, उसके बाद जो है मम्मा भी आ गई थी मिलाद में से। फिर मैं और मम्मा थोड़ा सा मतलब रात तो हो चुकी थी, 8:30 हो गए थे, मैं और मम्मा गए बाज़ार। उसके बाद तो मतलब कुछ दुपट्टों की मैचिंग वगैरह लेनी थी, उसके लिए हम लोगों ने ऑर्गेंजा वगैरह लिया और काफ़ी चीज़ें मतलब हमें लेनी थी, और बहुत सी चीज़ों पर भाई
कुछ मिला कुछ नहीं मिला, तो मैं आपको हर चीज़ अपडेट दे रही हूँ, तो आप देख लें। तो ये मम्मा का दुपट्टा है, उस पर हम लोग ले रहे थे मैचिंग, और ये दूसरा वाला दुपट्टा है, उसके ऊपर फॉल के लिए ले रहे थे हम लोग कपड़ा। तो ये कपड़ा बहुत मुश्किलों से मिल रहा था। ये जो ये वाला ग्रीन है ना, ये झंडे वाला ग्रीन नहीं है, ये दूसरा बॉटल ग्रीन टाइप का है, तो ये मिल ही नहीं रहा था। इसको हर चीज़ में चेक कर लिया, वो मिल ही नहीं रहा था। ये देखें यहाँ पर, ये देखें, ये वाला मेरी मम्मा का दुपट्टा है, और हमें मैचिंग जो जिसकी चाहिए ना, वो ये ग्रीन है। आपको दिख रहा है, तो मैं समझी मतलब ये मैचिंग हो रहा है, पर ये मैचिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ये आउट कलर लग रहा था कलर। ये देखो, ये वाला ग्रीन है, और ये मतलब झंडे वाला ग्रीन नहीं है, ये दूसरा ग्रीन है, इसको बॉटल ग्रीन कहते हैं उसके अंदर। फिर ये मिला हमें, पर ये जो है ना वो फॉल के लिए नहीं था, ये नेट टाइप का था, तो ये नेट टाइप का, इस पर फॉल नहीं लगता। बुरा लगता है यार फॉल वाला, क्या बोलते हैं, अगर हम नेट का लगाते ना तो बुरा लगता है। और मैं भी चाह रही कि इतनी मासूम से इतना इंतज़ार कर रही थी कब मम्मा लें कब चलें, बाकी जिस चीज़ मतलब जो जगह मेरी होती है ना, मतलब यहाँ पर से मेरा दिल ही नहीं करता, मतलब ज्वेलरी हो गई मेकअप हो गया, यहाँ से तो मेरे जाने का दिल ही नहीं करता। दिल करता लेती रहूँ लेती रहूँ, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है यार मेरे साथ, मेरे चाची जो तू होता है मैं तो नहीं पता, मुझे मत पूछो। हाँ, तो इतना वेट करने के बाद भी मैंने बोला चलो चलते हैं। फिर हम लोग दूसरी शॉप पर आए, उसके बाद भी यार इसके ऊपर तान के तान गुला दिए मम्मा ने कि ये नहीं ये नहीं ये, अल्लाह क्या कहते हैं क्या नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। मैं खुद तो बेचारी ऐसी बोर हो रही थी। ये देखो, पहली दफ़ा मैं इतनी बोर हो गई थी वहाँ पर, वो इसलिए कि मेरी पसंद की जगह नहीं थी, इसलिए मैं बोर हो गई इधर, ठीक है। और फिर हमें बहुत ही मुश्किलों से, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से एक आया कपड़ा समझ। जब एक कपड़ा समझ आया तो उसके अंदर मसले हो गए। यहाँ पर भी देखेंगे तो खूबसूरत खूबसूरत कलर लग रहे हैं, और वीडियो में तो और भी प्यारे रहे। और मैं थोड़ा सा फ़न कर रही थी, मैंने लगा यार देखो थोड़ा सा आगे आगे करके देखूँ कितना छोटा लगता था, कितने छोटे लगते था, क्या करूँ, फारिग बैठी हुई थी तो ये करना तो लाजमी था। फिर हम लोग आ गए दोबारा से, हम लोगों ने दुपट्टे ले लिए थे और दुपट्टे की मैचिंग ले ली थी। उसके बाद हम आ गए पीको वाले की तरफ। जब पीको वाले की तरफ आया तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पीको मैचिंग करने में इतना टाइम लग गया कि कौन सी पीको करवाए कौन सी नहीं, तो मैं तो बैठ गई थी, मैं तो अब बिल्कुल भी नहीं ली, मैं तो छुपी हूँ, मम्मा आपकी बेटी छुप है अभी। तो ये देखते हैं अब क्या हो रहा है। अब इसके ऊपर जो काम होगा ना, वो ये कलर, ये ग्रीन कलर, ये सारे कलर मिला कर गोल्डन में, ये देखा, ये सही रहेगा, ये बनेंगे, ये वाला। अच्छा, आ जाओ, ये कलर है, ये अच्छा लगेगा, सही ना, पाँच पाँच लगेंगे, ये पाँच एक कर लेते हैं, पाँच दूसरे कर लेते हैं, ठीक है। इसमें लंबी साइडों में कुछ एडिटिंग करनी है, लटकन नहीं, पल्लू पे तो लटकन लग जाएगी। हाँ। ये माता पट्टी पे उससे सफ़ेद सादा पीको बनेगी, सारी पीको बनेगी। हाँ, यही मैं आपके घरों कुछ ऐड करना है तो वो बता दें, फिर वो अलग से लगेगा। सितारा दिखाना, ये कटवर वाला, ये देखना, ये पॉपर कैसे ही आ रहा है, ये मिर्ची है, ये लग जाएगी, ये बिल्कुल इस तरीके से ही रहना रहेगी जैसे ये लग गई है। फाइनली मम्मा ने डिसाइड कर लिए दुपट्टे के डिज़ाइन। उसके बाद ये जो भाई हैं, ये बना रहे थे पर्चियाँ कि मैडम आप जब भी आएंगी, मतलब ये दुपट्टे रख रहे हैं, आप जब भी आएंगे आपका दुपट्टा जो है वो रेडी हो जाएगा, और आप ये पर्ची दिखाइएगा और अपना दुपट्टा ले लीजिएगा। तो इसके अंदर यार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पर डिज़ाइन बताने के अंदर। घर पहुँचे तो भाई लेकर आए हुए थे शवरमा, जिससे मुझे बिल्कुल भी आसरा नहीं हुआ। मैंने जल्दी से खोला और मैंने जल्दी से खाने लग गई, क्योंकि मैंने दोपहर का भी नहीं खाया था और ना रात का भी नहीं खाया था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। अच्छा जी, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और यार प्लीज़ 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 मुझे बताएँ कि और मुझे किस चीज़ पर ब्लॉग बनाना चाहिए। बाय।